पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देश अनुसार आज कोच कोतवाली में महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ जिला जालौन के अपर पुलिस अधीक्षक के द्वारा महिला अध्यक्ष का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश सिंह का कहना है कि कोच कोतवाली में महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया। इस पर हेल्प डेस्क प्रभारी रानी कविता वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश सिंह का कहना है कि हेल्प डेस्क पर 8 महिला कांस्टेबल, 1 हेल्प डेस्क प्रभारी उपस्थित रहेंगी। हेल्प डेस्क के कार्यक्रम में कोच कोतवाली प्रभारी निरीक्षक इमरान खान, क्राइम इंस्पेक्टर उदयभान गौतम, SI धर्मेंद्र सिंह, SI संजीव कटियार और आदि लोग उपस्थित थे। संवाददाता भानु प्रताप सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। कोतवाली में हेल्प डेस्क महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया, इस पर क्या कहेंगे सर, क्या कहना है आपका? महिला हेल्प डेस्क हमारा काफ़ी पहले से चल रहा था और सारी व्यवस्थाएं थी, आज एक नई बिल्डिंग की शुरुआत की गई और ये महिला सुरक्षा और सम्मान महिला के लिए हम एक कदम आगे बढ़े हैं। इसके लिए हमारी निरीक्षक कोतवाली पहुँच बधाई के पात्र हैं, उन्होंने अच्छी व्यवस्था की और उम्मीद करते हैं कि महिला इस महिला डेस्क पर सर कितनी महिला कांस्टेबल उपस्थित रहेंगी सर? मैडम सर इसमें हमेशा 2 लोग रहेंगे, 8-8 घंटे की ड्यूटी है और उसमें अलग अलग रजिस्टर भी बनाए गए, कंप्यूटर भी है, कंप्यूटर में उसको फिट किया जाएगा, ये सारी व्यवस्थाएं जी सर। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन